सिलीगुड़ी में लाखों की ज्वेलरी वाला बैग टोटो में छूटा, पुलिस ने बरामद कर सौंपा। प्रधाननगर थाने की पुलिस ने एक दंपति का टोटो में छूटा लाखों रुपए के ज्वेलरी से भरा बैग बरामद कर उसे सौंप दिया। मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी के पवित्र नगर के रहने वाले जयसवाल दंपति रविवार को अपना पुरानी ज्वेलरी से भरा बैग को नए रूप में तैयार करने के लिए चंपासारी स्थित आभूषण के दुकान में गए थे। हालांकि किसी कारणवश दंपति ने ज्वेलरी को चेंज नहीं किया और वापस टोटो लेकर घर के लिए निकल गए। अपने घर जाने के क्रम में दंपति का ज्वेलरी से भरा बैग टोटो में गिर गया। घर पहुंचने पर ज्वेलरी वाला बैग नहीं दिखा तो दंपति ने आनंद फानन में प्रधाननगर थाने में जाकर पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर प्रधाननगर थाने की पुलिस ने चंपासारी इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया, जिसके बाद सीसीटीवी के माध्यम से टोटो चालक तक पहुंची और ज्वेलरी वाला बैग बरामद कर लिया। इसके बाद आज जरूरी कानूनी प्रक्रिया के उपरांत दंपति के परिवार को बैग सौंप दिया गया। बैग में सारे ज्वेलरी यथावत थे। ज्वेलरी मिलने पर जयसवाल परिवार ने पुलिस का आभार जताया। मंडे को मेरे पापा मम्मी गए थे चंपासारी, तो उनका गोल्ड बहुत पुराना था, 40 साल पुराना। तो मम्मी सोची थी कि वो चेंज करके कुछ नया लेगी, लेकिन उनको उस दिन समझ में नहीं आया कि क्या डिज़ाइन विज़ाइन कुछ है। तो मम्मी रिटर्न आने लगी, तो मम्मी जब रिटर्न आने लगी तो कुछ सब्जी ली थी, तो 4-5 बैग था। बैग के साथ मम्मी जब घर के बाहर उछली तो कब जाके उसमें से एक गोल्ड वाला बैग नीचे गिर गया टोटो में, मम्मी को समझ में नहीं आया। फिर हम लोग संग फिर यहाँ थाना में आए। थाना में आके फिर हम लोग ने कहा, सर लोग ने बहुत कॉपरेट किया, प्रधाननगर थाना में सर ने कॉपरेट किया, सर ने फुटेज देखा, सीसीटीवी सारा फुटेज देख के आज सर ने फिर कॉल किया, सारा सामान रिकवर हो गया, एक भी सामान मिसिंग नहीं है। तो इसके लिए हम थैंक यू बोलते हैं प्रधाननगर थाना को, पीसी पार्टी टीम को, सबको थैंक यू बोलते हैं। इन लोग ने हमारा सारा सामान रिटर्न कर दिया था, क्योंकि टोटो में नंबर तक नहीं था, लेकिन सर लोग ने इतना अच्छा से काम किया है कि नंबर बिना टोटो को ढूंढ के निकाल के सारा सामान सर ने वापस कर दिया। एप्रोक्स 2 लैक्स ये आपका संडे को हुआ था और आज सुबह मिला है। तो मेरी मम्मी का हालत बहुत तबीयत खराब था, मम्मी तो मतलब आने लायक नहीं है ऐसा उनका हाल हुआ था। किसी का भी गोल्ड हो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए। आज के डेट में उम्मीद तो नहीं था, लेकिन सर लोग के ऊपर इतना ट्रस्ट हो गया कि सर लोग ने उम्मीद के बिना भी ये सारा सामान निकाल के ला के दे दिए। पीसी पार्टी के जितनी टीम है उसको एकदम थैंक यू हम बोल रहे हैं, प्रधाननगर थाना को बोल रहे हैं थैंक यू, क्योंकि आज उन लोग की वजह से हमारा गोल्ड हो गया। रिएक्शन वाल की जो चीज़ का उम्मीद नहीं था ना, हम लोग को सुन के बहुत अच्छा लगा कि हाँ एटलीस्ट जिस चीज़ का उम्मीद नहीं था वो चीज़ हमारे पास आ गया। प्रधाननगर थाना को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उनके चलते आज ये सब रिकवर हुआ। पीसी पार्टी जितनी टीम है उनको स्पेशल हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, बीपीएफ सरकार सर को, क्योंकि उन्होंने ये सीसीटीवी फुटेज निकाल के बहुत ज़्यादा ही मेहनत किया है। 22 तारीख शाम को करीब 8 बजे एक घटना हुआ था। पवित्र नगर का एक आदमी पवन जायसवाल एंड उनको वाइफ आशा देवी जायसवाल और टोटो में ट्रैवल करते हुआ उतरने का टाइम वो 3-4 बैग के साथ एक बैग में छोड़ के निकल गया और उसी बैग में सारे उन लोगों का जितना गोल्ड ऑर्नामेंट्स था, दो नेकलेस, वन पायल, वन पीस, वन पेयर गोल्ड इयररिंग, फिंगर रिंग्स वगैरह बहुत कुछ, करीब वो 2 लाख का होगा सामान, वो छोड़ के उन लोग चला गया। थाना में रिपोर्ट किया है, मिसिंग केस था, हम लोग जी डी करके हम मेरा पीसी उसी पीसी टीम दे दिया और स्टार्ट किया है सारे एरिया का, सारे जो सीसीटीवी फुटेज है चंपासारी जो चारों तरफ का रास्ता है डेबिट डाला टप, इन लोग स्टडी करके और टोटो को फाइल आइडेंटिफाई किया है, करके टोटो का आइडेंटिफाई आज टोटो सुबह मिल गया। तो टोटो वाला वो पकड़ने के साथ साथ वो कन्फेस किया है, सारे चीज़ मिल गया है। हम लोग खबर दे के उन लोग को बुलाया जयसवाल फैमिली को, उन लोग आइडेंटिफाई किया उन लोग का सारे सामान। टोटो वाला एक बात बताया सर, हम देने का हम तैयार थे लेकिन मिले नहीं हम लोग। तो टोटो वाला का हम लोग वेरीफाई कर रहे थे, उनकी इंटेंशन किया है एक्चुअली, केस नहीं हुआ है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग उन लोगों की सुविधा के लिए डायरेक्टली हैंडओवर कर दिया ना। हम तो बोल दिया जो टोटो और एनी जो गाड़ी में, टोटो में, प्राइवेट कार में, कमर्शियल कार में जाने का वक्त गाड़ी में ठीक ठाक जो सामान लिए उठता है, हम बोला जो क्योंकि छोटा मोटा 10-12 बैग लेके मत लीजिए, स्पेशली पब्लिक जो व्हीकल्स होता है, एक बड़ा बैग रहेगा उसका अंदर छोटा मोटा जो रहेगा रहेगा, उतरने का वक्त क्या हो सुविधा होगा और थोड़ा तो
सबको तो अवेयरनेस अवेयर होना ही पड़ेगा, अभी फेस्टिवल है, अपना सामान लेके रखना पड़ेगा, और पॉसिबल है तो गाड़ी का नंबर थोड़ा अगर पॉसिबल है नोट रखना, तो जितना जल्दी पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना। मेरा पीसी टीम अच्छा काम करता है, एंड नॉट ओनली पीसी टीम, एंटायर पुलिस टीम ऑफ करोनगर पुलिस स्टेशन, दे आर वर्किंग वेरी यू नो एंथुसियास्टिकली अंडर माई लीडरशिप। पीसी टीम क्राइम लेकर रहता है, बादबाकी टीम मेरा जो दूसरा जो ऑफिसर्स है, दूसरा जो टीम है, दे आर वर्किंग, एंड पीसी टीम को हम लोग भी सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, हर फील्ड में। एंड पीसी टीम पीसी ओसी गौतम जो अदर ऑफिसर्स हैं, विप्लव है, बंधन है, मेरा नया ऑफिसर एक आया है प्रवाल है, और जो सारे टीम है मेरा, कांस्टेबल सिविल वाला सब मिलते हैं, उन लोग द वर्क 24 आवर्स।